तो अगर आपने अभी अभी कल्चर फॉर्म को एडॉप्ट किया है या फिर फ्यूचर में आप कल्चर फॉर्म एडॉप्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने कल्चर फॉर्म की अच्छे से केयर कर सकते हैं और कई सारी बीमारियों से उसे बचा सकते हैं। तो मैं हूँ सुरभि और वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। क्योंकि कल्चर फॉर्म काफी छोटे ब्रीड के डॉग होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी नहीं करानी चाहिए, खासकर जब तक ये 3 महीने के नहीं हो जाते हैं। स्टेयर्स चढ़ाना, रनिंग कराना, जंपिंग कराना कई बार काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है आपके कल्चर फॉर्म के लिए, क्योंकि 3 महीने से पहले इनके जॉइंट पूरे तरीके से डेवलप नहीं होते हैं और स्मॉल ब्रीड्स को इस वजह से बहुत आसानी से इंजरी वगैरह हो जाती है और कई बार तो आगे जाके हिप डिप्लेशिया और एल्बो डिप्लेशिया में भी डेवलप हो जाता है। इसके साथ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने छोटे ब्रीड को कभी भी अपने छोटे बच्चों के हाथ में ना दें, क्योंकि बच्चों के हाथ से कई बार अचानक से गलती से डॉग गिर सकता है और उसको बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। इसके साथ साथ बच्चों को हमेशा सिखाना चाहिए कि डॉग के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये नहीं कि उसके साथ बहुत हार्शली खेलने लगे, क्योंकि कल्चर फॉर्म एक स्मॉल साइज ब्रीड है तो इनके पप्पी बहुत ही आसानी से बेड के नीचे, कूलर के पीछे, फ्रिज के पीछे आसानी से चले जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ध्यान रखें कि इन सब चीजों को कवर करके रखें और कभी भी अपने पप्पी को बेड के नीचे, फ्रिज के पीछे ना जाने दें या फिर कोई ऐसी चीज लगाते हैं जिसकी वजह से पप्पी इन सब चीजों के पीछे या जा ना पाए। जब उनके टीथ भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं इसलिए इन्हें बहुत जल्दी डेंटल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, इसलिए ध्यान रखें कि इन्हें कभी भी बहुत ज्यादा ड्राई और हार्ड खाना ना दें। अगर आप अपने डॉग को पैकेट वाला फूड देते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसको दे सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो सोख हो जाता है और इजीली चबाया जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। इसके साथ साथ ध्यान रखें कि बहुत बड़ी च्युइंग स्टिक या बहुत बड़ी ट्रीट भी अपने पपी को नहीं देनी चाहिए, इवन एक एडल्ट कल्चर फॉर्म को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनका गला जो होता है ट्रैकिया छोटा होता है और कई बार इसमें जाके चोकिंग हो जाती है बहुत बड़े साइज की ट्रीट या बोन्स वगैरह। क्योंकि कल्चर फॉर्म के डबल लेयर कोट होता है तो इजिली इनके अंदर टिक्स आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलती है, इसलिए इनकी रेगुलर ग्रूमिंग जरूर करते रहे और हमेशा ध्यान रखें कि इनके हेयर्स में कोई टिक्स तो नहीं आ रही या फिर कोई रेड कलर के रैशेज तो नहीं हो रहे। अगर आप कोई रैशेज या टिक्स नोटिस करते हैं तो अपने वेट को इस बारे में जरूर बताना चाहिए। और कोट की बात हो ही रही है तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि गर्मी में इनका कोट जो है वो शेव करा देना चाहिए जिससे इनको गर्मी ना लगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोट जो होता है वो नेचुरली क्लोथ्स की तरह काम करता है डॉग के ऊपर, तो गर्मी के अंदर कोट जो होता है वो सन बर्न से डॉग को बचाता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां जैसे स्किन कैंसर तक प्रिवेंट होता है। और वैसे भी सभी डॉग का कोट जो होता है वो गर्मी में कम हो जाता है, शेड हो जाता है, और सर्दी में ज्यादा लेयर का हो जाता है जो उनको सर्दी से बचाता है और गर्मी के अंदर हीट स्ट्रोक वगैरह से और सनबर्न से बचाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोट जो है डॉग का वो बहुत ज्यादा हैवी है और आपको ग्रूमिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको ट्रिम कर सकते हैं, कटिंग करा सकते हैं, लेकिन उसको शेव नहीं कराना चाहिए। इसके साथ साथ कई सारे स्मॉल ब्रीड और लाइट कलर ब्रीड के अंदर देखा गया है कि इनके टीयर्स स्ट्रेन रह जाते हैं, तो उसको आप डेली कॉटन से और साफ पानी से क्लीन कर सकते हैं तो भी वो क्लीन हो जाएगा, और जब वहां के बाल थोड़े लंबे हो जाते हैं तो आप उसको सीजर से भी कट कर सकते हैं। ध्यान रखें इन टीयर्स को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जहां पे भी मॉइस्चर होता है वहां इजीली बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन वाले जर्म्स चिपक जाते हैं और वो अंदर जा सकते हैं आईज के अंदर और वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जब भी आप अपने डॉग की ग्रूमिंग करें यानी नेल्स कट करें, ब्रूशिंग करें, तो अपने डॉग के टीयर जो हैं वो भी क्लीन जरूर कर दें। इसके साथ साथ ध्यान रखें कि इनका कॉलर कभी भी टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी ब्रीडों में ट्रैकिया कोलैप्स होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी गई है, और कभी भी इनको वॉक पे लेके जाएं तो कॉलर से लीस लगा के वॉक पे नहीं लेके जाएं, क्योंकि कई बार आपने गलती से बहुत ज्यादा जोर से खींच दिया तो इनका गला बहुत आसानी से घुट जाएगा, तो ये ध्यान रखें कि ऐसा ना करें, हार्नेस में लेके जाएं, और कई सारी हार्नेस ऐसी आती हैं स्पेशली छोटे ब्रीड्स के लिए जो काफी सेफ होती हैं, तो ये आप अपने वेट से पूछ के ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप घर पे आ जाएं तो हार्नेस को उतार के रख दें और कॉलर ही पहनाए रखें, और कॉलर हमेशा थोड़ा लूज होना चाहिए, टाइट कभी भी नहीं होना चाहिए। इनको हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर की भी प्रॉब्लम कई बार देखी गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी ब्रीड है तो इनको इजीली ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें पपी को अचानक वीकनेस होने लगती है, फेंट होने लगता है या फिर शिवर करने लगता है, तो ध्यान रखें कि इनको बहुत ज्यादा ठंड में भी नहीं रखना चाहिए और बहुत ज्यादा हीट में भी ना लेके जाएं कि इनको हीट स्ट्रोक वगैरह हो जाए, एकदम धूप में नहीं लेके जाना और बहुत ज्यादा ठंडक में भी नहीं रहने देना, हमेशा अगर ठंड है तो इनको स्वेटर वगैरह कुछ पहना के रखें। हमेशा इनके खाने पे प्रॉपर ध्यान दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पेशली पपी एज में कि इनका खाना मिस हो रहा है, कि अगर इनको आप दिन में 4 बार खाना देते हैं और आज आपने 3 बार ही दिया या 2 बार ही दिया,
बहुत ज्यादा अमाउंट में एक बारी में खाना नहीं देना है, लेकिन उसको डिवाइड करके देना है। जैसे कि अगर आप एक ही बारी में बहुत ज्यादा खाना देते हैं तो उसको दो बार में डिवाइड कर दें, जिससे इनके अंदर कभी भी लो ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, गर्मी रहेगी हमेशा बॉडी में खाने से। साथ साथ आप अपने डॉग को फ्रूट और वेजिटेबल भी दे सकते हैं, जैसे कि कैरेट हो गया, एप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया या बनाना हो गया। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी आप कोई सीड वाला फ्रूट अपने डॉग को दे रहे हैं या पपी को दे रहे हैं तो हमेशा सीड निकाल के दें, क्योंकि सीड जो होता है वो कई बार स्टमक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और छोटे ब्रीड के डॉग के अंदर इससे गले से चॉकिंग भी हो सकती है। चरपॉम एक बहुत अच्छे वॉच डॉग होते हैं, काफी ब्रेव होते हैं और काफी कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, और इसी वजह से कई बार ये थोड़े से इरिटेबल भी हो जाते हैं और दूसरे पेट्स को या दूसरे लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते। तो ध्यान रखें कि इनकी सोशलाइजेशन अर्ली स्टेज से जरूर शुरू कर दें, हमेशा वैक्सीनेशन लगवाने के बाद इनकी सोशलाइजेशन पे जरूर ध्यान दें, जिससे आगे जाके इनके अंदर कोई एग्रेशन ना डेवलप हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल होगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई चीज पूछनी हो या समझना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।